दोस्तों इंडियन सिनेमा एक्शन वाली फिल्मों में बेस्ट है, पर वेपेक्स के मामले में इंडियन सिनेमा को बहुत ज्यादा गाली पड़ी है और ट्रोल भी हुआ है, जिसका ताजा एग्जांपल है आदि पुरुष। पर दोस्तों इंडिया की कुछ ऐसी फिल्में जिनके वेपेक्स और विजुअल इफेक्ट्स के लिए तालियां बजाई गई थी, यानी कि इंडिया भी कुछ कम नहीं है। जिसमें से पहली फिल्म है रोबोट, जो 2010 की फिल्म होने के बावजूद भी इसके वेपेक्स आज की 2.0 को टक्कर देते है, और रोबोट मूवी की क्रिएटिविटी सारे हदों को पार करती है। फिर चाहे ये सर्कल हो या फिर स्नैक हो, भाई सब कुछ औसम था। और दोस्तों ये सब उस टाइम में सोचना मतलब बहुत बड़ी बात है। टाइम स्टोरी, इसको 24 आवर्स भी बोलते हैं। दोस्तों टाइम स्टोरी एक टाइम ट्रैवल पे बेस्ड फिल्म थी, पर इसमें जो टाइम मशीन थी वो एक घड़ी के फॉर्म में थी, पर इसमें जितने भी फेशियल इफेक्ट्स और CGI थे 100% आपको हॉलीवुड की याद दिलाएंगे, क्योंकि टाइम मशीन एक घड़ी थी तो वेपेक्स शॉट बहुत ही ज्यादा माइक्रो थे, पर दोस्तों इन्होंने इनको दिखाने में कोई भी गलती नहीं की। क्रिश 3, भाई लोग हर कोई जानता है कि क्रिश 3 के एक्शन सीक्वेंस और वेपेक्स अब तक के सबसे बेस्ट वेपेक्स है, और इसमें जो अलग अलग एनिमल्स के खून से जिन क्रिएचरों को वेपेक्स की मदद से बनाया गया था, दोस्तों आज भी इंडिया में ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है। और खास करके माया, भाई इसमें जो सुपर पावर्स है, भाई ये तो इमेजिनेशन से भी परे है। तुम्बाड़, दोस्तों सिर्फ 5 करोड़ में इतने अच्छे वेपेक्स बनाना मजाक नहीं है। और खास करके हस्तर, मुझे तो ऐसा लगा था कि हस्तर को वेपेक्स की मदद से बनाया गया होगा, पर दोस्तों इसको तो मेकअप थोप थोप के बनाया गया था, और ऊपर से इसके विजुअल इफेक्ट्स भाई नॉच लेवल थे। जितनी बार देखो उतनी बार आपको लिटरली घुसबम्स आएंगे। ईगा यानी कि मक्खी, भाई लोग राजा मौली सर जो एक्शन के लिए जाने जाते हैं, यही है मक्खी के क्रिएटर। दोस्तों मक्खी की कंसेप्ट एक इमेजिनेशन थी, क्योंकि कोई आदमी मरने के बाद मक्खी बन के बदला लेने आएगा ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था, पर राजा मौली सर ने इसको वेपेक्स और एनिमेशन की मदद से बना के दिखाया, और दोस्तों इसके स्पेशल इफेक्ट्स आज भी यूनिक लगते हैं। रावण, भाई इसको कौन भूलेगा, आदि पुरुष की वजह से यही तो फिल्म है जिसकी कीमत हमें आज समझ में आई है, क्योंकि ये मूवी 500 करोड़ में नहीं बनी थी, बल्कि रावण सिर्फ 130 करोड़ में बनी थी, पर इसके वेपेक्स और CGI शॉट्स नॉच लेवल के थे, जिसके बराबरी 500 करोड़ की फिल्म भी नहीं कर पाएगी। पर रावण के असली वेपेक्स तो क्लाइमैक्स में दिखते हैं, भाई जितनी बार देखो उतनी बार कम ही लगते हैं। बाहुबली 1 और बाहुबली 2, दोस्तों ये दोनों ही फिल्में वेपेक्स और CG की मदद से ही पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि ओल्ड कल्चर को दिखाना मतलब किसी के बस की बात नहीं है, और कुछ सीन तो ऐसे थे जिनमें आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं दिखेगा कि ये वेपेक्स है या फिर रियल है। और नेक्स्ट इनके ही फिल्म आती है RRR, भाई इस कहानी को 1908 में सेट करने के लिए वेपेक्स और CGI का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सबसे पहले एक बड़ा सेट तैयार करना, फिर उसमें वेपेक्स और स्पेशल इफेक्ट्स का जादू दिखाना, दोस्तों ऐसा करना सच में पॉसिबल नहीं है, पर राजा मौली सर ने बाहुबली के बाद फिर से एक बार करके दिखाया। ब्रह्मास्त्र, दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो 500 करोड़ में भी कार्टून जैसी फिल्म बनाते हैं और फिल्म इंडस्ट्री का नाम डुबाते हैं, पर दोस्तों ब्रह्मास्त्र ने 400 करोड़ में ना सिर्फ बॉलीवुड को बचाया बल्कि डिज्नी को भी मजबूर किया ब्रह्मास्त्र को खरीदने के लिए। भाई इसके वेपेक्स और CGI शॉट आज भी एवेंजर्स एंडगेम को टक्कर देते हैं, क्योंकि एंडगेम में सिर्फ 2400 वेपेक्स शॉट थे पर ब्रह्मास्त्र में टोटल 4500 वेपेक्स शॉट्स है। भाई इसके बावजूद भी ब्रह्मास्त्र एक एवरेज मूवी साबित हुई, पर क्यों? दोस्तों अगर इसका रीजन जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करो और मजे लो। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना, तब तक टेक केयर और बाय।